चौतीस पॉइंट जीरो फोर एम क्यूब। अभी ये फाइनल वैल्यू नहीं है बिल्कुल भी, क्यों? सबसे ज्यादा दिक्कत आती है आप सिविल इंजीनियर और राफ्ट पे काम कर रहे हैं। राफ्ट का मतलब ये होता है कि कोई स्ट्रक्चर है, जैसे कि मैं बता दूं आपको, कोई कॉलम है और आपने उसके नीचे एक कंक्रीट बेस, मतलब सरिया डाल के कंक्रीट बेस बना रहे हैं, तो उसे हम राफ्ट कहते हैं। नीचे की स्लैब को हम राफ्ट बोलते हैं, जो गड्ढे के अंदर, और इसके नीचे हम पीसीसी करते हैं। जो नॉर्मली बात की जाए, वो एक तरीके का हमें जो ग्राउंड है वो स्टेबल प्रोवाइड करवाती है। अब सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं था इतना, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आती है कि इसकी राफ्ट कैसे निकाले। बहुत ज्यादा सिविल इंजीनियर हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। आप सिविल इंजीनियर नहीं है, आप नॉर्मली कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तब भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बात करी जाए तो पूरा राफ्ट आपको इस तरीके की देखने के लिए मिलती है, और मैं इसका आपको, ये हमारा हो गया साइड व्यू, ये हमारा साइड व्यू हो गया, और हम इसका टॉप व्यू लें तो यहां पे एक तरीके का सर्कल बना हुआ है, ये सर्कल बना हुआ है, और ये जो वॉल है ये बीच में वॉल खड़ी भी है। तो मतलब हम सर्कुलर स्लैब का वो निकालेंगे राफ्ट, कि इसमें हमारा कितना कंक्रीट लगना है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें सरिया भी बहुत ज्यादा यूज होता है, तो हम सरिये को नेगलेक्ट कर देते हैं। इतना ज्यादा सरिया यूज नहीं होता है जितना कि कंक्रीट यूज होना है। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, स्लैब ही निकालने तो हम कहीं से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो इसकी थिकनेस चेंज होती है, ये कोना जो है सबसे खतरनाक है, ये कोना, यहाँ पे तो 600 थी, यहाँ पे 500 हो गए। अब आप ये सोचिए, इतने बड़े एरिया का हम कैसे इसका ट्रायंगुलर निकाल के इसमें हम चीजों को मतलब कैलकुलेट करेंगे, तो वही चीज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हमें दो डायमेंशन हमेशा दी जाती है, तब आप कोई सी भी ड्राइंग खोल के देखेंगे तो एक तो हमें इसके पिलर की, मतलब जो हमारी सर्कुलर कॉलम टाइप में, तो वो हमें डिस्टेंस दे रखी होगी, जहाँ पे मतलब एक तरीके से डिक्लाइन नहीं कर रहा होगा, एक स्टेबल पूरा होगा। या जैसे कि यहाँ से हम इसमें ये करें और ये वाला, तो इसकी जो थिकनेस है वो पूरी 600 mm की है। और उसके बाद का जो ये पॉइंट है, यहाँ पे हमें ये वाली लेंथ इंडिविजुअल नहीं दे रखी है, तो हम इस लेंथ को भी कैसे निकाल लेंगे वो भी आपको भी मालूम चल जाएगा। यहाँ पे 500, यहाँ पे 600 दे रखी है। सबसे पहले निकालते हैं अंदर का, तो हमें सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है, पाई बाय 4d² सही है। तो हमारी जो मतलब बात करूं लेंथ है, यहाँ पे हम नॉर्मली इसमें ही फिट कर दें, पाई बाय 4 इंटू यहाँ पे 8.5 m² ये हमारा एरिया निकल के आएगा, क्योंकि अभी हमने इसमें थिकनेस नहीं जोड़ी है। और इसी को हम, मैं आपको पूरा यहाँ पे हमने लगा दिया, पाई बाय 4 इंटू 8.5 इंटू, या ये तो हमारा हो गया एरिया, और ये हम थिकनेस ऐड करेंगे इसके अंदर। थिकनेस के बाद ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूम, तो ये जरूर याद रखना है। और थिकनेस हमारी इसकी जो है वो 600 है, ये वाली है, तो हम यहाँ पे 0.6 mm, हमेशा ध्यान रखना है, ज्यादातर चीजें mm या मीटर में ही होती हैं सिविल इंजीनियरिंग लाइन में। तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूले से सॉल्व कर देता हूँ इसे, कि आप इसे मैनुअली भी सॉल्व कर सकते हैं, पाई बाय 4 इंटू हमारा है 8.2 स्क्वायर। मैं इसकी शॉर्ट बना दूंगा, किस तरीके से, आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो कौन सा लेना है, और किस तरीके से पूरा फॉर्मूला एक ही बारी में सॉल्व हो जाएगा। और 0.6, तो यहाँ पे जो हमारा निकल के आता है अराउंड 34.04 m³। अभी ये फाइनल वैल्यू नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि अभी हमने सिर्फ अंदर का निकाला, अभी आ गया डिक्लाइन। अब दिक्कत क्या है कि पहले मैं किसका निकालूं, क्या 600 mm का निकालूं या 500 mm का निकालूं, तो हम दोनों का एक साथ निकाल लेते हैं। हम क्या करते हैं, हमने सबसे आसान तरीका है, ये तो हो गया अंदर वाले का, इस वाले पोर्शन का, अब हम निकालेंगे इस वाले पोर्शन को, इसलिए मैंने लाइनें दोनों अलग खींची है। तो यहाँ पे अब आप देखेंगे तो राफ्ट में सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, क्योंकि 600 और 500 को अलग अलग निकालना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, आपके लिए आसान कर देता हूँ। 600 + 500, ये कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ये नहीं है, और दोनों को जोड़ लेंगे तो अराउंड 1100। अब इसे 200 डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ गया हमारे पास, आ गया 550 mm।
मतलब हमने क्या करा, हमने 600 प्लस 500 करा और दोनों को डिवाइड कर दिया, तो अब हमने एक इसके बीच की लाइन मान ली, मतलब ये वाली, इसका जो स्लैब का साइज है वो ये है, समझ गए आप। तो इस तरीके से ये हमें मिल गए न्यू थिकनेस, ये मिली हमें न्यू थिकनेस। अब हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो इसके ऊपर लगाएंगे, लेकिन कैसे लगाएंगे वो भी सबसे बड़ी बात होती है। जैसे कि अब हम पूरा पूरा एरिया के कर देते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं इसमें। अब आपको मालूम है पाई बाय 4 इनटू जो हमारी पूरी लेंथ है वो 15 मीटर है, 15 स्क्वायर, और थिकनेस भी हम जोड़ देते हैं क्योंकि हाँ हमें अभी तक एरिया निकाला है, अब हम वॉल्यूम निकालेंगे। तो इसकी जो थिकनेस है वो 0.55 है, और इज इक्वल टू जो आंसर आया है वो आएगा अब इसका 15 × 5, तो यहाँ पे जो आ गई वो 97.19 m³ आ गई। ये आ गई टोटल एरिया की, मतलब इस वाले के टोटल एरिया की। अभी हमने तो अंदर वाले की निकाल ली थी, तो अभी हमने अंदर वाले की जो निकाली वो 600 mm के हिसाब से निकाली है, और हमने जो पूरे एरिया की निकाली वो 550 निकाली है। तो ये वाला तो बिल्कुल करेक्ट वैल्यू है अभी तक, और ये जो वैल्यू है ये करेक्ट नहीं है, ये अभी बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। अब क्या करेंगे, अब अंदर वाले एरिया को माइनस कर देंगे, मतलब यहाँ पे हम बात करें, मैं दोबारा फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो अंदर वाला जो एरिया है 1.4 × 8.5, ये हो गया हमारा एरिया इंटू, अब जो माइनस करेंगे वो सिर्फ ये वाला एरिया करेंगे माइनस, तो 0.5 × 5 सिर्फ अंदर वाला एरिया, क्योंकि हमें जो ये वाला डिक्लाइन वाला एरिया था हमें बाहर वाला चाहिए। तो यहाँ पे हम बात करें तो इसका जो एरिया आ रहा है वो आएगा अराउंड 8.5, तो ये जो वैल्यू रह गई वो रह गई 31.209 m³। अब ये पूरे गोले की वैल्यू हो गई, मतलब पूरी राफ्ट की वैल्यू हो गई। इसमें से हमने अंदर वाला माइनस कर देंगे ये वाला एरिया जो अभी हमने निकाला है, ये एरिया हो गया, ये वॉल्यूम हो गया, ये एरिया हो गया। तो अब जो वैल्यू है तो अब इसमें से माइनस कर देंगे 3.201, अब जो आंसर आएगा वो आएगा 97.19। तब आप देखेंगे जो आउटर वाला है वो ज्यादा है क्योंकि एरिया लंबा है, 15 मीटर बहुत ज्यादा होता है, 1.98 m³। अभी ये भी करेक्ट नहीं है क्योंकि हमें जो निकालना है वो पूरी राफ्ट का निकालना है, हमने बाहर का निकाल लिया, अंदर का निकाल लिया। अब बस एक छोटा सा काम करना है, इन दोनों वैल्यू को जोड़ देना है, 34.04 + 65.98। अब जो वैल्यू आएगी वो बिल्कुल करेक्ट निकल के आएगी, तो जोड़ लेते हैं 34.04 + 65.98। तो जो अब पूरा जो इसका वॉल्यूम निकल के आएगा 90.02 m³। तो यहाँ पे m³, तो इस तरीके से ये पूरा एरिया, इसका मतलब वॉल्यूम निकाला जाता है, और वॉल्यूम और एरिया आपको दोनों मालूम चल गया तब हम इतना फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो हमें एरिया मिल जाता है, तब हमने थिकनेस जोड़ दी तो हमें पूरा वॉल्यूम मिल जाता है। इस तरीके से राफ्ट को निकाला जाता है। जो सरिया है वो नेग्लिजिबल होता है क्योंकि 5% या 6% से ऊपर सरिया नहीं लगता, तो वो नेग्लिजिबल होता है। लेकिन अब हमारे कितने सीमेंट के कट्टे लगने हैं वो भी बता दो। जैसे कि हम M25 या M30 के हिसाब से डिज़ाइन करते हैं, तो ये स्पेशल डिज़ाइन होते हैं, तो जब डिज़ाइन बनवाएंगे तो वो आपको बता देगा एक M³ में आपके 8 कट्टे लगने हैं, 10 कट्टे लगने हैं, या 5 कट्टे लगने हैं, या 6 कट्टे लगने हैं। लेकिन एक्चुअलिटी में बताऊँ तो अराउंड 6 कट्टे से ज़्यादा कोई नहीं लगाता। तो यहाँ पे आपके 540 बैक की कास्टिंग है, मतलब 6 कट्टे हिसाब से लगाए तो 1 m³ = 6 bag, तो ये आपके 540 कट्टों की कास्टिंग है। तो इस तरीके से आप राफ्ट का पूरा मतलब वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, कंक्रीट भी निकाल सकते हैं, कितने बैग सीमेंट लगना है वो भी निकाल सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।